बन रही है। बोल सच्चे दरबार की। आपका जन्मदिन है और जन्मदिन की शुरुआत जिस तरह से भक्ति भाव के साथ शुरू हो चुकी है और हर बार जिस तरह से सेवा के साथ आप मनाती है, तो माँ इस बार बर्थडे कितना जन्मदिन कितना खास होगा माँ का, और माँ किस तरह सोचती है कि मेरा जन्मदिन किस तरह से खास होगा और किन के बीच खास होगा? मेरा जन्मदिन कल है, 3 तारीख को, और हम हर जन्मदिन जरूरतमंदों को सेवा देते हैं, पंखे, अनाज और जो जो जरूरत की चीज़ें हैं वो सब हम सेवा देते हैं। जितने भी सेवादार हैं सब मिल के सेवा देते हैं। तो माँ जब जन्मदिन पे इतने सारे लोग इतनी दूर दूर से माँ को बधाई देने पहुँचे हैं, तो माँ उनके लिए क्या कुछ देखती है और जो लोगों के दिल में प्यार है वो प्यार देख के माँ क्या फील करती है? आई एम नॉट मटेरियलिस्ट। मेरे को जो भी भक्त चेक चढ़ाते हैं मैं वो सब चेक ट्रस्ट में डाल देती हूँ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने भक्तों को प्यार देके बहुत खुश हो जाती हूँ। मैं अपने पास नहीं कुछ रखती और मैं यही चाहती हूँ कभी हम आए संसार सेंटर लोग से हम रहे जब तक से हम बस मेरी ये भी समझना है कि जब मैं ये संसार से होते जाऊँ तो एक पापा जो थे कि कोई राधे में आई थी जिसने पैसा नहीं कमाया पर अपने भक्तों के अंदर दिल में विश्वास के मंदिर बनाए, तो सेवा कर संसार में पर बंदगी सच्ची हारती। मैं चाहती हूँ जो भगवान ने मुझे जिस कार्य हेतु चुना है वो मैं कार्य ईमानदारी से करूँ, ये मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा। तो माँ आपके पास छोटे से लेके बड़े बड़े बहुत बड़े पैसे वाले काफ़ी सभी लोग आपके भक्त हैं, जिस तरह से दिल से आपको प्यार करते हैं वो आपके पास आते हैं और हर कोई पैसे की चाह करता है, माँ को कोई चाह क्यों नहीं है? पैसे वाला मैं किसी को नहीं मानती, जब किसी पे कृपा होती है वो चढ़ाता है और वो भी चाहता है, जब किसी पे कृपा होती है तो मेरे लिए सबसे बड़ा पैसे वाला वो है जिसके चेहरे पे सबके लिए स्माइल, तो जिसके चेहरे पे स्माइल नहीं क्रूरता है, गरीब अमीर का फर्क है, तो कैसे वो पैसे वाला होगा? दादे मैया की। हैप्पी बर्थडे।